विश्वास करो भैया जे अतिक्रमण हटवेल कहे छथिन ना इएह सेब वाला बगल में ना 5-3 लाख के फॉर्च्यूनर लगा के ना शौक से सेब किने छथिन तखन उखर नियम कानून नहीं काम करे छन तखन उखर नियम कानून एक मार्केट नहीं नहीं तखन उखर नियम कानून नहीं करते हैं। सड़क और नाला छोड़ के आप अपना ठेला लगाएं, रिक्शा लगाएं, दुकान खोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो उनको हटाया जाएगा। ये नहीं है जो हम लोग उनको उजाड़ रहे हैं। शहर को सुव्यवस्थित करना है, समुचित करना है, तो इस सब को पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ठेला वाले, रेडी वाले अपना बिजनेस कर रहे थे, आज नगर निगम के द्वारा हटाया गया, क्या कहना? जी सर, यह तो बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी परेशान, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी यहाँ पर, पब्लिक खाली पैदल चलने को भी दिक्कत होता था। अतिक्रमण को हटाना है, बिल्कुल हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य कदम है। पूरा बेगूसराय शहर चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त हमारा शहर हो, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ इन लोगों को भूमि अधिग्रहण भी चाहिए। नगर निगम में जगह उतना नहीं है, अगर उन लोगों को लगता है जो वहाँ ठेला हम लगा सकते हैं तो वह जगह चिन्हित करें, नगर निगम वहाँ अपना साफ सुथरा सुव्यवस्थित कर देंगे, वो जगह डेवलप कर देंगे। ट्रैफिक चौक से लेके पटेल चौक तक आपको रोड के किनारे जितने भी ठेला वाले, रिक्शा वाले या पार्किंग कर देते थे, आज वैसे व्यक्तियों को यहाँ से अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस तरह का चीज बराबर होना चाहिए जो यहाँ पर अतिक्रमण न हो। एकदम लाइन क्लियर है, रोड बहुत अच्छा है। जो ये बेगूसराय नगर निगम था वो नगर निगम अब बन चुका है। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि अतिक्रमण वो अगर हटा रहे तो गलत कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये पहल जारी रहेगा या आज के लिए? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। अतिक्रमण अगर करने वाले करते रहेंगे तो नगर निगम अपना कार्रवाई करना नहीं छोड़ेंगे। जो आप सड़क और नाला को छोड़ के आप जहां भी जगह मिले आप उसको हमें दिखाइए, हम भी देख रहे हैं, उसको हम डेवलप कर देंगे, आप वहां अपनी दुकानदारी कीजिए। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं केबी स्टूडियो बिहार में। जी हां, मैं बता दूं अभी मैं ट्रैफिक चौक पे हूं और ट्रैफिक चौक का आज से एक दिन पहले का हालात अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको, मतलब ट्रैफिक चौक से लेके और कचहरी रोड तक में काफ़ी आपको रेडी वाले मिलते होंगे। और आप सोच सकते हैं जब इस दे के आप गुजरते होंगे तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुआ करते थे आने जाने वाले लोगों को, जो कि आज मैं बता दूं नगर निगम इस पे सख्ती से पेश आया है और यहाँ पे जो भी अतिक्रमण कर रहे थे उनको यहाँ से हटाया गया। और मैं यहाँ के आने जाने वाले लोगों से बात करूँगा, जानूँगा कि ये अतिक्रमण जो हटाया गया क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा भैया? यहाँ से जितना भी ठेला वाले, रेडी वाले अपना बिजनेस कर रहे थे आज नगर निगम के द्वारा हटाया गया, क्या कहना? जी सर, यह तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक होने के कारण यातायात में बहुत सारी परेशानियाँ हुआ करती थी, बहुत सारा जाम लगा रहता था। जो 2 मिनट का रास्ता है वहाँ पर हम लोग को आधे घंटे वेस्ट करने पड़ते थे, इसलिए नगर निगम ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया। मतलब नगर निगम के काम से ही आप बिल्कुल खुश हैं? जी सर बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा भैया? आज जो ठेला वाले, रेड़ी वाले यहाँ पे लगाया करते थे उनको हटाया गया, कैसा लग रहा है? जी खूब बढ़िया लग रहा है, उनको हटाया तो मतलब यहाँ का माहौल बिल्कुल हल्का लग रहा है, ऐसा नहीं तो पूरा जाम हो जाता था। जाम हो जाता ट्रैफिक चौक पर? जी मतलब आने जाने वाले लोगों को जाम की समस्या, काफ़ी परेशानी, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी यहाँ पर, पब्लिक खाली पैदल चलने को भी दिक्कत होता था। हाँ, क्या कह रहे थे चाची? बहुत बढ़िया लगता है, मतलब यहाँ से जाम का छुटकारा हट गया, इससे खूब बढ़िया लगता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी व्यक्ति हैं इस देख के जो भी आ जा रहे हैं उनसे मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी कहीं ना कहीं नगर निगम को जो ये कार्य किए हैं उस कार्य को सभी सराह रहे हैं, अच्छे कार्य को बता रहे हैं कि ये जो भी हुआ है अच्छा हुआ। यहाँ के नगर निगम के कुछ कर्मी भी हैं जो यातायात को जो है, आने जाने वाले को जो है जाम से छुटकारा करने का काम करते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे जाम छोड़वाने का काम कर रहे हैं? यहाँ पर 2 दिन से हैं। 2 दिन पहले काली स्थान में थे जी। तो ये बताइए, जब 2 दिन से आप यहाँ पे थे तो 2 दिन के हालात और आज के हालात में क्या अंतर दिख रहा है? आज के हालात में काफ़ी अंतर है, पूरा सुबह से हम लोग लगे हुए हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। तो कहाँ से कहाँ तक ये अतिक्रमण हटाने का काम किए हैं आप? ट्रैफिक चौक से लेकर के वो पटेल चौक, पटेल चौक तक जी। तो आप सोच सकते हैं ट्रैफिक चौक से लेकर पटेल चौक तक आपको रोड के किनारे जितने भी
ठेला वाले, रिक्शा वाले या पार्किंग कर देते थे, आज वैसे व्यक्तियों को यहाँ से अतिक्रमण मुक्त किया गया। और सर से मैं जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, सर आज रोड के किनारे में जब ठेला वाले रेडी वाले लगाया करते थे, आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ हुआ करते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से नगर निगम ने सख्ती से पेश आया और अतिक्रमण हटाने का काम किया, कैसा क्या कहना अच्छा लग रहा है? चलने में पैदल चलने मन लगा, नहीं तो फंसे रहते फंसे रहते थे। हाँ हाँ, ये तो बात है। हाँ सही, अच्छा काम किया, अच्छा किया। हाँ अच्छा काम। कौन वाले से भी मैं जुड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनके भी आगे में फल वाले या कोई भी बिजनेस करने वाले अपना रेडी लगा दिया करते थे, इनको भी काफ़ी परेशानियां हुआ करते था, इसलिए कि कस्टमर सही से नहीं आ पाते थे। आज क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम ने जो कार्य किया है? नहीं बिल्कुल, ये तो बराबर होना चाहिए, इस तरह का चीज़ बराबर होना चाहिए, जहाँ पर अतिक्रमण ना हो, लेकिन यही होता है कि कंटिन्यू नहीं हो पाता है, जिसके कारण बाद में फिर परेशानी वही होती है। मतलब आज हटा दिया गया, फिर हो सकता है 10 दिन बाद यहाँ पे लगना होता ही है, उसमें थोड़ा सा उसमें कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैं बात करूँगा, आज नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी सुविधा हो रहा है। कहा है कि कस्टमर आने जाने में दिक्कत होता था, घेर के रखे रहता था, ये लेके आज कहीं ना कहीं रास्ता बिल्कुल फ्री नजर। हाँ हाँ, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी जाम मिला करता था, जो कि यहाँ से आप शायद पैदल भी नहीं से सही से निकल सकते थे, लेकिन आज जो नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, इससे कहीं ना कहीं यातायात में काफ़ी मदद मिल रहा है, और जो जाम की समस्या था वो जाम का समस्या भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बात इस बात का है कि ये कब तक देखने को मिलेगा, हो सकता है कि 10 दिन बाद फिर से यहाँ पे जाम का समस्या लग जाए, हो सकता है जिस अतिक्रमण को नगर निगम ने हटाने का काम किया है फिर से वो 10 दिन बाद यहाँ पे कहीं देखने को न मिल जाए। तो इसलिए मेरा भी यही कहना है, नगर निगम के जितने भी अधिकारीगण हैं, चाहे महापौर जी हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि इस पर कंटिन्यू काम होना चाहिए। और हमारा बेगूसराय जो ट्रैफिक चौक है, मेन चौक कहा जाता है, हट कहा जाता है बेगूसराय का, इस जगहों को खास करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को जो है जाम का समस्या झेलना ना पड़े। हमसे समस्या यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम लाइन क्लियर है, रोड बहुत अच्छा है। तो क्या नगर निगम को क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम को यही सुरक्षा 300 दिन के लिए होना चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण ये रोड हमेशा जाम रहता है, चाहे रिक्शा वाला हो या कोई आदमी हो या ठेला लगाने वाला, सब जिला प्रशासन के खिलाफ है, जो रोड जाम रहता है जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण। महापौर को इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए और काम करना चाहिए, यही ना? दोनों, महापौर नगर निगम को भी होना चाहिए और जिला प्रशासन को भी। संजय सिंह जी में बने हैं, उनके भी पिंकी देवी, जो ये बेगूसराय नगर निगम था, जो ये बेगूसराय नगर निगम था वो नगर निगम अब बन चुका है। और संजय सिंह जब पहले ही बोल दिए थे कि जब मैं नगर निगम में जब मेयर बनूंगा तो मैं सबसे पहले बेगूसराय का जो पहले से जो अच्छा बेगूसराय होना चाहिए वही होगा, और वही हो रहा है। बाबा क्या कहिएगा, आज आपको जाम का समस्या खत्म होते नजर आ रहा है, बताइए। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे तो कहिएगा जो बोलता है। नहीं नहीं, बोलिए जो बोलना है। हमारे गरीब आदमी को जो है सो घर दिया है, दो किस्त मिला हुआ है, एक किस्त 50,000 2 लाख का मन के रिफंड दिया है, घर बना लिए कर्जा दिया करके, और कम से कम अब साल 2 बरस हो गया, 50,000 रुपया कारण अभी वहीं जा रहे हैं। और संजय सिंह कल उसको जनक पत्नी भी 5-6 दिन पहले वो एगो अथी है, उसको कहा जो कल इसको जा कर करके से फोटो खींचिएगा, हम कल जा करके, वो आज 4-5 दिन हो गया नहीं आया, फिर हम जा रहे नगर निगम। ये मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपका भी काम हो जाएगा, लेकिन वो आश्वासन दिए थे ना कि काम होगा? हाँ, ये आश्वासन दिया दिए हैं, जो उसको जो फोटो खींचता है वो कहा जो मैंने कि जैसे अभी जा करके उसको कल जा करके फोटो खींचो। बहुत सराहनीय काम है, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा उस पार में भी देखना चाहिए, जो क्या करता है सिपाही सब 2-4 रुपया ले लेके सब टेम्पू रिक्शा लगाए हुए रहता है। इसको इस पर नगर निगम प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, कम से कम मैनेज फ्री करवाना चाहिए। मतलब आज जो काम हुआ है वो बढ़िया हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज जो नगर निगम के द्वारा काय हुआ है अतिक्रमण मुक्त, हम क्या बोले, जो बोलना है बोलिए। बढ़िया तो नहीं हुआ गरीब के लिए, पहले बोलिए ना, आपको जो बोलना है इस पे बोलिए। गरीब को बहुत दिक्कत हो जाता है, यही ना कि जो ठेला लगता था वो आपके नजर में जायज था? नहीं,
लगावे साइड करके ये नहीं कि सड़क पर लगावे, बिल्कुल एक साइड लगावे एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो उसका उसकी जहाँ रेडी वाले लगाएंगे उस जगह का मांग आप लोग नगर निगम के अधिकारी से किए या नहीं किए? तब हमको तो नहीं मालूम है, क्योंकि मान लीजिए सामने दुकान है, सामने में तो कोई ठेला वाला को लगाने देगा नहीं, तो आखिर ठेला वाला कहाँ लगाएगा? रोड पे, तो रोड आने जाने के लिए है ना कि ठेला लगाने के लिए, तो उसके लिए जो है आप नगर निगम व्यवस्था करेगा नगर निगम। हाँ, तो मांग आपकी, मांग करेगा सब दुकानदार ने। तो मैं भी अपने चैलेंज से मांग करता हूँ नगर निगम के महापौर से कि जिस अतिक्रमण को आपने हटाने का काम किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन साथ ही साथ इस पे भी आपको नजर रखना होगा कि जिस अतिक्रमण को आपने हटाया ठेले वाले रेडी वाले को जो जीते थे उस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर वो व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, उनके लिए भी आपको जगह निकालने की जरूरत है, आप उन्हें भी जगह दें ताकि वो भी जी सके, अपने बच्चे को अपने परिवार को जो है जीवन यापन करवा सके। बेगूसराय के फैशन पीच के युवा जो काफ़ी समाज में जुड़े रहते हैं, समाज के व्यक्ति के लिए या समाज में कोई भी कार्य हो नेक कार्य उसके लिए तत्पर रहते हैं, क्या कहना चाहिएगा? सूप दूसल का बोढ़नी का जगरा में 76 गो छेद, एगो कहावत छिके अपना बिहारी भाषा में कि सूप दूसल के ककरा चलनी चलनी का जगरा में अपना 76 गो छेद। प्रयास बहुत अच्छा है, ट्रैफिक बहुत अच्छा है, लोग एम्बुलेंस से जाते हैं आते हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अतिक्रमण का हम भी विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं कि अतिक्रमण जो है वह बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन अधिग्रहण भी चाहिए यहाँ लोगों को, बिल्कुल अधिग्रहण, अतिक्रमण के साथ अधिग्रहण चाहिए। अधिग्रहण ये चाहिए जो हमारे ये जितने ठेला वाले हैं रिक्शा वाले हैं ये आम सेब बेचने वाले हैं, विश्वास करो भैया जे अतिक्रमण हटवाल कहे छथिन ना इहे सेब वाला बगल में ना 22-23 लाख के फॉर्च्यूनर लगाए के ना शौक से सेब किने छथिन, तखन उखर नियम कानून नहीं काम करे छन, तखन उखर नियम कानून एक मार्केट नहीं नहीं तखन उखर नियम कानून नहीं करते हैं। हम आप लोगों को कहते हैं अगर आप नियम का पालन करते हैं तो नियम बनाना भी सीखिए, अतिक्रमण को हटाना है बिल्कुल हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत योग्य कदम है, पूरा बेगूसराय शहर चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त हमारा शहर हो, लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ इन लोगों को भूमि अधिग्रहण भी चाहिए, इनको जमीन चाहिए जहाँ पर ये अपना ठेला अपना जो जीविकोपार्जन का जो साधन है वहाँ पर ये लोग करके अपने परिवार का पेट भर सके। आज कानून बनाने वाले यही हैं, ये सब जो हम लोग हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कानून बना देता है और कानून को पता है कौन ख़त्म कर देता है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, ये सब जब बैठ जाते हैं एक साथ तो लोकसभा से बिल पास होता है, फिर वहाँ से राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, और जब राज्यसभा में बिल पास होता है तो राष्ट्रपति जी जो हमारे महामहिम हैं भारत के वो एक दस्तखत कर देते हैं, कानून बन गया। और कानून बनाने वाले कौन हैं? विधायक चुनने वाले ये हैं, इनको दिखाइए, विधायक चुनने वाले ये हैं, सांसद चुनने वाले ये हैं, तो इनके लिए तो आपको सोचना न होगा, देश इनका न है, देश के इन सब नागरिक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूंगा करमवीर भाई की मुद्दे की बात कीजिए कि आखिर जनता के लिए क्या चाहिए और क्या मांगे करते हैं महापौर। एक ही विकल्प है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, अतिक्रमण के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, अतिक्रमण बिल्कुल गलत है, सड़क पर ठेला चलाना बिल्कुल लगाना बिल्कुल गलत है, सड़क पर सरकारी जमीन पर सामान बेचना बिल्कुल गलत है, लेकिन इनके लिए आपको सोचना होगा, अगर आप एक काम कर रहे हैं तो एक काम और भी करना होगा, इनको जगह का प्रबंध करके आपको बेगूसराय में देना होगा, इनकी व्यवस्था करनी होगी, तभी हमारा शहर आगे बढ़ेगा और तभी इन लोगों का विकास होगा, और ये आप लोगों को समर्थन करेंगे। और जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग तमाम जितने भी बेगूसराय के आम नागरिक हैं जो अपने मेयर संजय भैया को जिताए हैं यही उम्मीद के साथ, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि अतिक्रमण वो अगर हटा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं संजय भैया से हाथ छोड़कर विनती यही करना चाहूँगा जो हमारे ये भाई हैं जो आप लोगों को वोट दिए, वोट देकर आपको मेयर बनाए हैं बेगूसराय का, बस इन लोगों के विश्वास पर आप खड़ा उतरे और जल्द से जल्द जितनी जल्द हो इन लोगों के बारे में भी साथ साथ सोचना प्रारंभ कर दें और इन लोगों के लिए जो है कोई ना कोई निर्णय निकाले जो इन लोगों की सारी समस्याओं का हल हो सके। बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ करमवीर भैया, और मेरा भी यही मांगे है नगर निगम के महापौर जी से कि अगर आपने अतिक्रमण मुक्त कराया है बिल्कुल ये सही कार्य है आपका और कहीं ना कहीं इस पे आप सफल हो पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है इन गरीबों के भी बारे में सोचे जिनका रोजी रोटी चलता था इस
रेडी से यानी ठेला से, तो इनके लिए भी जो है भूमि देने का काम करें, एक मार्केट बनाने का काम करें ताकि ये लोग भी अपने जीवन यापन कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बार बार आपसे निवेदन करूँगा कि अतिक्रमण हटाएं, लेकिन इन लोगों को देखते हुए। अभी से मैं कुछ देर पहले मैं ट्रैफिक चौक का हालात को मैं दिखा रहा था। जी हाँ, ट्रैफिक चौक जो कि बेगूसराय का माने तो आप एक, वो एक ऐसा जगह है जहाँ से आपको कहीं भी जाना हो तो आप ट्रैफिक चौक से आप आना जाना कर सकते हैं। और मैं बता दूं बेगूसराय में अतिक्रमण को लेकर काफ़ी समस्या बना हुआ था भैया, और वो अतिक्रमण कहीं ना कहीं अब नगर निगम एक्शन में आते हुए नज़र आ रहा है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर काफ़ी एक्शन में थे और उनका कल के डेट में समापन भी हुआ था, और अब जो है अतिक्रमण में उन्होंने एक नया क्रांति ला दिया है। और मैं बता दूं अभी मैं ट्रैफिक चौक पे गया था और वहाँ पे जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया, और अभी मैं नगर निगम के कार्यालय में आया हुआ हूँ और वर्तमान मेयर पिंकी देवी से मैं बात करूँगा। मैडम, जिस प्रकार से बेगूसराय में अतिक्रमण का समस्या काफ़ी देखा जा रहा है, काफ़ी समस्या है, और आज आप लोगों के सौजन्य से जो अतिक्रमण हटाया गया, मुक्त कराया गया ट्रैफिक चौक से लेके पटेल चौक तक, तो इसमें तमाम अतिक्रमण वालों को क्या मुहैया कराइएगा और कब तक ये जारी रहेगा? नगर निगम जो आज 15 दिन से जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया था नगर निगम के द्वारा, तो इसमें एक ये था जो अतिक्रमण मुक्त हो शहर, साफ़ सुथरा स्वच्छ हो, हम अपने पर्यावरण को बचाएं, तो इसी के तहत जो आज कल समापन दिवस था तो लोगों को हम अपील भी किए थे जो अपना आपका शहर है, सड़क है, नाला है, आप साफ सुथरा स्वच्छ रखें, अतिक्रमण मुक्त करें। तो जहाँ तहाँ जैसे काली स्थान है यहाँ पर हम लोगों का जो ये टीम रखाया गया है नगर निगम के द्वारा वॉलेंटियर, तो वो देखिए जो यहाँ जाम की समस्या से निजात हो गया। जीडी कॉलेज में देखिए, जीडी कॉलेज के मला रोड में देखिए, वहाँ भी जाम की समस्या से निजात हो गया है। तो रही ट्रैफिक की बात, ट्रैफिक चौक की बात, तो वहाँ भी अतिक्रमण हम यही अपील किए हैं जो सड़क और नाला छोड़ के आप अपना ठेला लगाएं, रिक्शा लगाएं, दुकान खोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो उनको हटाया जाएगा। ये नहीं है जो हम लोग उनको उजाड़ रहे हैं, शहर को सुव्यवस्थित करना है, समुचित करना है, तो इस सब को पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो नगर निगम का एक ही सोच है जो शहरवासियों को हम जितना सुविधा दे सके, लेकिन शहरवासियों से अपील भी किए हैं जो रोड नाला छोड़ के अपना ठेला लगाए, दुकान खोले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनका ये सोच, वो सोच नहीं बदल रहे हैं तो नगर निगम कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन एक नारा ही है जो नगर निगम को साफ सुथरा स्वच्छ बन कैसे रखे, इसमें शहरवासी का सहयोग भी चाहिए और सुझाव भी चाहिए। इसी के तहत आज ट्रैफिक चौक पर जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया, ये देखने को में भी अच्छा लग रहा है और उनको उजाड़ा नहीं गया है, उनको सुव्यवस्थित किया गया है, क्योंकि वो जैसे ठेला पर फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो ठेला में चक्का लगा रहता है, वो जहाँ तहाँ खड़ा कर देता है, जिससे कि हमारे शहरवासियों को दिक्कत होती है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सौ समय नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे जो परिजन अगर बीमार हो जाते हैं अस्पताल जाना चाहते हैं वो भी सौ समय नहीं पहुँच पाते हैं, इससे जाम की समस्या भी लगी रहती है और शहर देखने में भी अस्त व्यस्त लगता है। अगर हम सबको सुव्यवस्थित करते हैं तो शहर मेरा अमन चमन लगेगा। मैडम, आज ये पहला पहल था अतिक्रमण मुक्त के लिए, लेकिन ये पहल जारी रहेगा या आज के लिए था? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, अतिक्रमण अगर करने वाले करते रहेंगे तो नगर निगम अपना कार्रवाई करना नहीं छोड़ेंगे। हम स्वच्छता पखवाड़ा के समय भी ये बोले हैं जो इस पर पहल करना है, इस जो ये स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग चलाए थे लोगों को जागरूक करने के लिए, तो ये नहीं है जो एक दिन दो दिन में कोई जागरूक हो जाएंगे, ये बार बार हम लोग का रहेगा जो सड़क और नाला साफ सुथरा स्वच्छ रहें, अतिक्रमण मुक्त रखें। लेकिन मैडम, एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि जो अतिक्रमण ट्रैफिक चौक से पटेल चौक तक किए हुए थे, अपना ठेला डेरी लगाते थे, जीवन यापन जिनका चलता था, लेकिन उन लोगों का कुछ मांगे भी है आपसे कि उन लोगों को जो है ठेला डेरी लगाने के लिए जगह मुहैया कराया जाए, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए,
शहर में नगर निगम में जगह उतना नहीं है, अगर उन लोगों को लगता है जो वहाँ ठेला हम लगा सकते हैं तो वह जगह चिन्हित करें, मैं उन नगर निगम वहाँ अपना साफ़ सुथरा सुव्यवस्थित कर देंगे, वो सर जगह डेवलप कर देंगे तो वो अपना ठेला रिक्शा जो भी लगाना चाहते हैं अपना लगा सकते हैं। तमाम जिले वासियों से क्या आग्रह निवेदन करना चाहते हैं जो अतिक्रमण या जहां तहां पार्किंग कर देते हैं या बराबर आपकी बातों को अवहेलना करते हुए फिर से अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? देखिए, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया था इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था, जो शहर में कैसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर रहे, अतिक्रमण मुक्त हो, अपने पर्यावरण को बचाए। तो इसका अगर अवहेलना शहरवासी करते हैं तो वो उनको खुद ही वो भोगना पड़ता है, क्योंकि जाम की जब समस्या होती है तो वो ससमय ना बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, ना परिजन को, अगर परिजन बीमार हुए तो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। समझना उनको है और जो इस तरह की गलती करते हैं उनको भी समझना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ जो ये स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जो जागरूक किया गया है इसमें मेरा शहरवासी इसमें सहयोग किए हैं और अपने जो शहर को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, जहाँ तहाँ कचरा फेंकते हैं इसमें भी मैं सुधार देख रहा हूँ, इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और फिर से अपील करती हूँ अतिक्रमण से शहर को बचाना है, रोड नाला छोड़ के अपना जहाँ जिनको लगाना है ठेला लगाएं या सब्जी बेचें फल बेचें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी हमारे साथ पूर्व मेयर संजय भैया हैं और संजय भैया से मैं ले लेता हूँ कि बेगूसराय जो अतिक्रमण से जूझ रहा था इस पर आपका क्या राय है और ये कब तक जारी रहेगा, क्या बेगूसराय हकीकत में अतिक्रमण मुक्त बेगूसराय कहलाएगा? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी शहर का हमें ये देखना पड़ता है जो सड़क और बिजली विकास का सबसे पहला यहीं से शुरू होता है, जो उस शहर में बिजली और सड़क की क्या व्यवस्था है। और निश्चित ही आज सड़क जो बनी हुई है और उस सड़क पे कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, अब एक आदमी के अतिक्रमण करने से हजारों लोगों को परेशानी होती है। और एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, जो नगर निगम के नज़दीकी काली स्थान चौक आज 2 महीना 5 दिन 13 जून से ये अभियान शुरू हुआ और 13 जून से पहले हर दिन सोशल मीडिया पे या दैनिक समाचार पत्र में या अन्य मीडिया पे आता था जो जाम से हलकान काली स्थान के पास घंटों से जाम लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन 2 महीना लगभग आज 6 दिन हो गया तो आज एक दिन भी ऐसा हमें न देखने को मिला न सुनने को मिला। तो एक नगर निगम का यही सोच है जो हर आदमी को व्यवस्थित करने का और व्यवस्थित करके नगर निगम वासियों या अन्य जो जिला से और जिला के दूसरे जिला से भी जो हमारे शहर में आते हैं उनको सुविधा देना। और इसी के चलते आज आप देख सकते हैं जो बेगूसराय का सबसे व्यस्तम चौक कर्पूरी स्थान चौक, आज आप वहाँ अगर दिन में भी 4-व्हीलर लेकर जा सकते हैं तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जीडी कॉलेज और सेंट पॉल स्कूल वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, वो भी नगर निगम का वहाँ भी नज़र है और वहाँ भी मेरा जो यातायात मित्र है वो भी रहते हैं और आज लगातार उनके प्रयास से वहाँ भी जाम की समस्या नहीं हो। तो हम लोगों का जो मुख्य शहर का एंट्री यूँ तो बहुत जगहों से है, 5-6 जगहों से, जैसे हर हर महादेव चौक, आप उससे आगे बढ़िएगा श्री कृष्ण सिंह चौक, उससे आगे बढ़िएगा तो पावर हाउस चौक, उससे आगे बढ़िएगा जिसको हम लोग स्टेशन रोड कहते हैं, फिर ट्रैफिक चौक, उधर खातोपुर, जो शहर का एंट्री है। लेकिन ट्रैफिक चौक जिसको हम स्वामी विवेकानंद चौक भी कहते हैं, ये शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो वहाँ अगर कोई वहाँ से अस्पताल नज़दीक पड़ता है, वहाँ से जिला मुख्यालय नज़दीक पड़ता है और वो अगर जाम रहता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचाने के लिए, उस परेशानी को लोगों को नहीं हो, इसके लिए नगर निगम एक प्रयास कर रहा है और आज से नगर निगम वहाँ भी, नगर निगम के जो भी वॉलंटियर हैं वहाँ रहेंगे और लगातार लोगों को यही जागरूक करना है जो आप सड़क और नाला को छोड़ के आप जहाँ भी जगह मिले आप उसको हमें दिखाइए, हम भी देख रहे हैं, उसको हम डेवलप कर देंगे, आप वहाँ अपनी दुकानदारी कीजिए, हमें किसी से, क्योंकि सड़क शहर में जब तक व्यवसायी नहीं रहेंगे तो व्यवसायी शहर का सबसे, अगर सड़क
या बिजली इसका विकास का पैमाना है, तो जिस शहर में अगर व्यवसायी नहीं रहेंगे तो फिर वह शहर सूना सूना लगेगा। तो हम भी चाहते हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था मुहैया कराएं, और हम नहीं चाहते जो उनको कोई किसी तरह की परेशानी हो, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया जाता है हमको परेशानी उनसे है, और अगर वो अतिक्रमण हटा लेते हैं तो हमें लोग कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं जो पूरे नगर निगम, और कल आप लोगों ने देखा जो पहली बार नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, रिफाइनरी प्रबंधन और संजोग से कुछ कार्य आ जाने के कारण नहीं आ पाए पुलिस विभाग, तो हम लोग चाहते हैं जो सब मिल के इस शहर मेरा है और इस शहर में कुछ अच्छा किया जाए, जो शहरवासियों को लगे जो अच्छा हो रहा है। किसी पे इस पे कोई राजनीति नहीं है, हम लोग का एक ही सोच है जो अपना शहर बड़ी अच्छा हो, अपना सड़क अच्छा हो, बस यही के को लेके चल रहा है नगर निगम। और कल आप लोगों ने जो देखा, जो जागरूकता व स्वच्छता पखवाड़ा का समापन हुआ, बहुत भव्य तरीक़ों से हुआ, हमारे जितने भी सफाई कर्मी से लेकर हमारे नगर आयुक्त सभी पदाधिकारी वहाँ बैठ के, और आप लोग भी थे, मीडिया के सभी साथी, और बहुत ही अच्छा लगा। यही हम चाहते हैं जो सब मिलकर शहर के विकास के बात को करें, बात ताकि मेरा शहर अच्छा लगे। तो अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय के महापौर पिंकी देवी और पूर्व महापौर संजय भैया को, और कहीं ना कहीं सभी का सपना है कि हमारा बेगूसराय स्वच्छ हो और अतिक्रमण मुक्त हो। कहीं ना कहीं अब जो है नगर निगम एक्शन मूड में आती हुई नज़र आ रही है, और शायद इसमें हमें लगता है कि नगर निगम के साथ साथ जो है तमाम बेगूसराय के जनता को भी कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारा शहर जो है स्वच्छ रहे और अतिक्रमण मुक्त रहे। क्योंकि ये सही कहा अभी पिंकी देवी ने और संजय भैया ने कि आने जाने वाले, चाहे एम्बुलेंस की बात करूँ, चाहे स्कूल बस की बात करूँ, चाहे कोई भी किसी भी तरह के आने जाने वाले राहगीरों को जो है अतिक्रमण के द्वारा जो है यातायात में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना झेलना पड़े, इसके लिए जो है हमारा शहर अतिक्रमण मुक्त रहे, इसके लिए तमाम जनता का भी जो है सहयोग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर स्टार्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन काजू के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।